महाराष्ट्र में एक IAS अधिकारी की तरफ से महात्मा गांधी और गोसे पर किए गए ट्वीट को लेकर विवाद पैदा हो गया है। कांग्रेस और NCP ने विवादित ट्वीट करने के लिए IAS अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। आपको बता दें कि इन IAS अधिकारी ने ट्वीट में महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाने का अनुरोध करते हुए उनके हत्यारे नाथुराम गोसे को धन्यवाद दिया था। पूरा मामला ऐसा है कि बृहन्मुंबई नगर पालिका की उप नगर आयुक्त निधि चौधरी ने एक ट्वीट कर पूरी दुनिया से महात्मा गांधी की प्रतिमाएं और भारतीय मुद्रा से उनकी तस्वीरें हटाने की मांग की थी। उन्होंने गोसे को धन्यवाद भी दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया। ट्वीट के बाद विवाद खड़ा होने पर IAS अधिकारी ने स्पष्टीकरण देते हुए एक अन्य ट्वीट किया और कहा कि यह महज व्यंग्य था और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र बहाद ने अधिकारी के निलंबन की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री चव्हाण ने रविवार को कहा, ट्वीट निंदनीय है, यह उनकी गिरी हुई सोच को दर्शाता है। इसी समय इन विचारों को रोकने की जरूरत है। चव्हाण ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, जो इस बात से दिखाई देगा कि वह अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा, सरकार को बताना चाहिए कि वह गांधी की विचारधारा के साथ है या गोसे की। इससे पहले शनिवार को NCP नेता जितेंद्र बहाद ने अपमानजनक ट्वीट करने और गोसे को महिमामंडित करने के लिए चौधरी को निलंबित करने की मांग की थी। जितेंद्र ने कहा था, उन्होंने गांधी जी के बारे में अपमानजनक ट्वीट कर गोसे को महिमामंडित किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि वह ट्वीट एक व्यंग्य था, मगर इस तरह से देश के राष्ट्रपिता का अपमान करना और एक नरेशन हत्यारे का महिमामंडन करना किस प्रकार से वह व्यंग्य है, ये उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। उम्मीद है जल्द ही कर देंगी। न्यूज डेस्क, 3rd डिग्री।